वेलकम बैक टू माई चैनल मटकन वाइब, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, शॉपिंग हॉल्स के बारे में। बट हम आज बात करेंगे एक व्लॉग के बारे में, जो कि मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग बनाने वाली हूँ, क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट होती है या इंस्टा पे सब पे बोलते रहते हैं कि आप दोबारा व्लॉग कब बनाओगे। तो व्लॉग बनाने का मज़ा जब है जब हम कुछ यूनिक करते हैं या कुछ हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तब हमको व्लॉग बनाना अच्छा लगता है या व्लॉग देखना अच्छा लगता है कि हाँ यार कौन सी जगह गए हैं, क्या है, क्या नहीं है, क्यों जाते हैं लोग यहाँ, वही वाला सीन है। तो आज मैं और देव आए हैं इधर पुणे, मतलब मैं पुणे आई हूँ, तो हम आज इधर आए हैं कोई मतलब घोड़ेश्वर जी जगह है यहाँ पर, वहाँ पर आए हैं। तो हमको बहुत ऊपर चढ़ना है, मतलब ऊपर तक चढ़ना है, बहुत दूर है। अब मैं रास्ते में बताऊंगी आपको कि पूरी हिस्ट्री देसी जान के कि क्या है, इस क्यों है इस जगह का नाम। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का व्लॉग, तो मैं आपको देव से भी बात करवाऊंगी, ठीक है, देव से भी मिलवाऊंगी। उनको बहुत शर्म आती है, वैसे वो व्लॉग में आते नहीं है, उनको अजीब सा लगता है, वो बोलते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे को डबिंग करनी पड़ेगी किसी की। बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारी जैसी हैं, हम वैसे ही बात करेंगे ना। तो सिंपल से बात है, व्लॉग बना रहे हो तो आप सब कुछ अपना नेचुरल ही दिखाओगे, इसमें क्या डबिंग करना है क्या करना, पर वैसे ही है थोड़ा शाई नेचर ऐसे बहुत मस्त है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल, हमने हमारी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, तो पार्किंग के बाद में देखते हैं कि क्या रहता है। मैं दिखाती हूँ आपको देव को, ठीक है, वो देव जा रहे हैं, सूरज आ गया। वैसे तो हम बहुत जल्दी आने वाले थे एक्चुअली, बट हमको ही लेट हो गया है, हम उठने में लेट हो गए हैं क्योंकि हम लेट नाइट सोए थे। हम बाहर शॉपिंग पे चले गए थे कल पिंपरी, मैं पिंपरी का मार्केट का व्लॉग भी आपको डालूंगी, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है बट थोड़ा सा मार्केट शूट किया है, तो मैं आपको उसका भी वीडियो डालूँगी यूट्यूब पर। तो अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड व्लॉग को लाइक एंड खूब सारा प्यार देना वीडियो को। ओए राम, मैं थक गई हूँ अभी से ही, ऊपर कैसे चढ़ेंगे। ये पूरा डूंगर क्रॉस करना है इधर से यूं। भाग क्यों रहे हो, तो आराम से चलो, ये हमको इतनी जगह क्रॉस करनी है परसों। अरे के बाप रे, रेलवे स्टेशन के पास, ये देखो 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 कौन से बाबू, मैं तो थक जाऊंगी ऐसे तो, ऐसे तो मेरी कोई मनोकामना ही नहीं है कि मेरे को आप इतना चढ़ा रहे हो। बाप रे, हम इसे थक गए, पूना से कितना है, 30 किलोमीटर, सेलारवाड़ी। ओ बाप रे, पहाड़ी के ऊपर भोरेश्वर से सेलारवाड़ी, पता नहीं भाई ऐसी कौन सी मनोकामना मांगे आए। पीछे का व्यू देखो, घोड़ेश्वर जी भगवान, जल्दी से चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दो। ओ माऊ, बहुत दूर है, बहुत ऊपर है। ये देखो ये जा रहे, मैं बहुत थक गई हूँ। गिर नहीं जाए, एक गिर जाएगी तो पता नहीं, गिर जाएगी तो। ये पूरा भी देखो कितनी सी दूर आए अभी तो, बहुत थक गए हैं अभी तो। 10% 20% सफर भी नहीं हुआ बाबा, 20% सफर भी नहीं हुआ।
देखो मेरी फोटो निकाल रहे हैं। मस्त आ रही है बाबा। बस उधर पोज करो। पोज मार रहे हो? पोज करो। रेस्टिंग टाइम, रेस्टिंग टाइम। दो इधर रख दो। बढ़िया से। ओए। एक्सक्यूज मी लेडीज। एक्सक्यूज मी जेंट्स। लेडीज यार। एक्सक्यूज मी जेंट्स। मेरे जैसा फोटो आना चाहिए मेरे को। लव फूड हेट वेस्ट। रख दो इधर। हे भगवान। ऐसे रास्ते से जाना पड़ रहा है, देख लो ऐसे। आएंगे जब तो सीढ़ियों से ही आएंगे। ऐसे आओ ना तो बिल्कुल वेट कम हो जाए, जितने मोटे हो रहे ना। ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड। मैं बाबू यहाँ से कैसे आऊँ? अब पकड़ो, मैं तो गिर जाऊंगी। पैर स्लिप हो गया तो कितना दूर है? गाड़ियां तो वहां खड़ी रह गई अपनी। अब बाबू डेली आए तो कितना वजन कम हो सकता है? इधर 2-7 दिन, 7 दिन में तो इंसान बहुत पतला हो जाए। ओह मम्मी, वास्तव में बाबू जल्दी आना चाहिए था यार, लेट हो गया। हे गोड़ेश्वर जी महादेव, ना तो शादी नहीं थी उससे पहले भी, इसी कोई डिमांड नहीं थी ना अब है। इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? अब मैंने केप लगा ली क्योंकि बहुत धूप हो गई है, बहुत ज्यादा। ट्राइपॉड लगा रहे, ट्राइपॉड लगा रहे। अब हम फोटो क्लिक करेंगे। कैमरा सेट करो बाबू। आप तो क्यूट लग रहे हो यार। बेबू आप तो क्यूट लग रहे हो। चलो आप कैमरे में क्यूट लग रहे हो। यूँ उधर जाओ। किधर? नीचे जाऊंगी कि कहाँ जाऊंगी? कैसे आ रही है? अच्छी आ रही है? करेंगे, आ जाओ जल्दी। चलो चलो चलो, चलो ऐसे आराम करेंगे। अभी तो रील्स बनवाना आएंगे। इधर से या इधर से? उधर से भी तो जा रहे हैं, देखो उधर। वो क्या नाम है, आनंद ने फोटो खिंचा रखी। वो भगवा भगवा, तानाजी महाराज, शिवाजी महाराज, जय महाराष्ट्र है बाबू। पागल एक साथ तो कुछ चढ़ ही नहीं सकता। लोगों को गेप लेना तो बहुत जरूरी है।
गैप लेना, रेस्ट लेना। मेरे जैसे तो पता नहीं कितनी बार रेस्ट ले। बनाएंगे ना रील्स, बनाते रील्स दो या तीन। डोगी आ रहा पीछे, खजूर का पेड़ देखो कितना मस्त। मुंह के बिगाड़ भाई। अब हम रील्स बना लेते हैं, दो तीन रील्स बनाएंगे अब हम दोनों यहाँ पे, ताकि रील्स भी बन जाएंगे, हमारा रेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्यूट लग रही हूँ ना। बाय, मिलते थोड़ी देर बाद में रील्स शूट करके। बैठने को फोन आ गया है, वो बात कर रहे हैं। देखो हाँ वही तो, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा तो नहीं सीढ़ियों के रास्ते से नहीं गए क्या? सीढ़ियों के रास्ते से नहीं आए हैं। सीढ़ियों वाला ही सही है। बहुत हाँ, 11 तो बज जाएंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं है। चढ़ते 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 इतना दूर आ गए। अब ये ऐसा रास्ता आ गया, देखो पत्थर पत्थर पत्थर, इतना ऊपर आ गए हम। सांस फूल रही है, ऐसा लग रहा है वो ऑक्सीजन की नीड हो रही है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। देव इतना आगे चल रहे हैं मेरे से, रेस्ट करते करते कर यहाँ पहुँचे। अभी तो ऊपर जाना है, तो बाप रे गर्मी भी बहुत हो रही है, हालत ख़राब हो गई है। देखो बाप रे, सही में भाई भगवान को ढूंढना और भगवान के दर्शन करना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। चलिए अब ऐसा ऐसा रास्ता है, अब मैं आपसे ऊपर पहुंचने के बाद मिलूंगी, ठीक है? क्योंकि बहुत थक गए हैं। कितना दूर है अभी? है नहीं पता नहीं, मुझे मैं पहली बार आया हूँ। फिर भी होगा अभी तो 15-20 मिनट रास्ता। बाप रे, हम वहाँ साइकिल तक ना एक मंदिर दिख गया, पता नहीं भरा है ना, पानी भरा है उसके, मंदिर का टॉप दिख रहा है ना, वहाँ तक तो साइकिल चला के जा। कौन? सांप देख 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 वो देख, ट्रेन सांप आ रहा है। कब पहुंचेंगे? सांप आ रहा है, देख कब आएंगे। कितने से दिख रही है? देखो बाबू कितने से दिख रही है, चॉकलेट देख। ट्रेन हाँ, ट्रेन कितने से दिख रही है, वैसे तो कितनी बड़ी दिखती है। देख तो सही कैसे जा रही है वो ट्रेन, कितने से देख रही है, देख चॉकलेट जैसी सांप जा रहा है। ले लगा ढक्कन, चलते हैं वो उतर ही लेंगे। ट्रेन जा रही है, जा रही है ना, दिख रही है ना पागल।
चुटकी सी दिख रही। बाबू जाने कितना ऊपर है, अकेले अकेले खा रहे हो, बहुत शर्म नहीं आ रही है? क्या खा रहे हो? कुरकुरे प्लेट। मेरे बर्थडे के टाइम मस्त था, था चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी दिखती है, कुछ नहीं दिखता। हेलो होगा ना, मजा नहीं आता। चलो अब हम वापस चलने स्टार्ट हो गए हैं। ये तो आज मेरी जान लेके रहेंगे। हे घोड़ेश्वर महादेव, आप आगे आ जाओ। ऐसे क्या चल रहा पागल, नाटक नौटंकी। इतना ऊपर आ गए हम बहुत जल्दी, जल्दी आना चाहिए था यार। टनन टनन, ये देखो खंडर खंडर खंडर। बाबू कहाँ झंडा है? वो रहा तिरंगा, वो नहीं। तिरंगा प्यारा आ जाओ देखा सितार। बाबू ये दो भी क्यों रखे हैं आपने? दो भी क्यों रखे हैं? दूसरा खोल के दो। कौन सा झंडा है? ट्राइपॉड सेट कर रहे हैं झंडे के पास, फोटो क्लिक करवाएंगे करवाएंगे। बाबू कट रहा है, धूप पड़ रही है बहुत खतरनाक। लहर रहा है झंडा, तो लहरता ही है। तो हवा चल रही है मस्त। चलो, 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 ये देखिए झंडा। अब हम यहाँ फोटो क्लिक कर रहे हैं, ये देखो करो, खुद ही कर लो, हो जाएगी। मैं देखूं, यहाँ ट्राइपॉड लगाया हुआ है, जबरदस्त आ रही है, एक नंबर। ये ऊपर का व्यू, इतना ऊपर आ गए हम। मंदिर तो पता नहीं कहाँ है अभी। दे फोटो क्लिक कर रहे हैं झंडे के पास। जय शिवाजी जय महा, ऐसे तो बोलो बस। रे भाई कितने क्लिक करोगे? मैं भी आ गई हूँ। तो हट जाओ, कैमरा को तो हटा लो, बस हो गया। हेलो गाइस, झंडे के बारे में बताओ, झंडे कहाँ है? झंडा मालूम नहीं है तो फिर घूमने क्यों आए हो? लव फोटो साथ में क्लिक नहीं मारोगे? तो हटाओ ना इसको, हटाओ ना इसको। जब ही फोटोज क्लिक करते करते क्या हो गया? गर्म हो गया फोन, धूप की वजह से भी हो गया होगा, इतनी जैसे यूज में आ रहा है तो वैसे भी हो गया होगा। अब मंदिर चलें, फोटो तो हो गई, मेरी सिंगल हो गई है, ले लेंगे ना। तो आप तो टाइम लेंगे यार, नहीं मेरे टाइम तो वो आपने लिए वो सही नहीं है। वो मेरे को तो एक मस्त है, एक नहीं बहुत सारी मस्त होगी ये तो दिख रही है। देखो ये ट्राइपॉड तो मेरा खुला, मस्त मजा आ रहा है बाबू। बेबू मजा आ रहा है पर धूप के मंदिर, ये तो बताओ है, यही है शायद। अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं, उनसे पूछ लो वो ये क्या। हाँ लिखा तो है वो वाला, ये वाला किधर से इसका रास्ता, किधर से, किधर से क्या? इधर से ये रास्ता बता रही है।
अंदर तो दिखाएंगे ना। आ जाओ। देखते हैं ये वाला कौन सा मंदिर है। ये वही मंदिर है क्या जिसके हम सुबह से खोज कर रहे हैं, झरंडेश्वर महादेव, शेरवाड़ी, सेलारवाड़ी, सेलारवाड़ी। ओह माय गॉड, ये तो कौन सा रास्ता है मंदिर का। भगवान भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाके विराजमान होते हैं, बताओ। बाप रे, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। देखिए त्रिशूल कितना ऊपर है। हम यही तो अब एक और है, मतलब मंदिर उधर भी आते हैं, इधर भी वो क्या सीधा रास्ता नहीं, इसलिए लोग जल्दी चले जाते। मैं पिछली बार उधर ही गया था। हां उधर ही है और है मंदिर, उधर एक गुफा में है। वो गुफा है, वो पत्थर तोड़ के बना हुआ है, वो पुराने जमाने का राजाओं की पूजा पूजा होती है उधर, आरती वारती इधर भी होती है। यार हां जा सकते हैं ना, थोड़ा अंदर का वीडियो ले सकते हैं, ले सकते हैं पोला ना भगवान। जे भोले भंडारी, वाह शिवलिंग तो बड़ा है। आप क्लोज कर दो इसे। वो गुफा वाला कहाँ है? ये मंदिर है, ये पुराना है ना।
लगता है कैसा रहता है, अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं है, बस शूट किया है। डेफिनेटली आप लोग साथ शेयर करेंगे तो आप जो लोग जो भी बताना क्या वो कैसा लगा। वो देखो देव जा रहे हैं आगे आगे मैं वो क्या बोलो, बस हो गया, हमारी जर्नी कंप्लीट है, दो मंदिरों का दर्शन। कैसा लगा आपको, आपको कैसा लगा आप बताओ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। आप मेरे को गिराए थे ना उसका मैंने ऐड नहीं करा है ना, इतना ही नीचे जाना पड़ेगा। आप सीढ़ी से चलेंगे अपन? तो अब हम जाएंगे घर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। बाय, कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बाय, और चैनल को लाइक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर द वाचिंग, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। बाय बाय गाइस।